तो कितने परसेंट तक सब्सिडी मिल जाएगी सर? महाराष्ट्र में 90-95% तक सब्सिडी मिल जाती है। घास काटने वाली मशीन आती है जी, या फिर आटा चक्की आती है सिंगल फेज वाली जी। तो जहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम लगे हैं जी, अगर किसानों को घर के लिए बिजली चाहिए सिंगल फेज वाला जी, या सिंगल फेज की मशीन के लिए बिजली चाहिए जी, तो उसके लिए भी हमारा एक सेपरेट कंट्रोलर आता है जिसको इसके साथ बैठाना होता है। तो आप घर से बैठे आप पंप को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो मोबाइल से। मेरा किसान भाई मोबाइल से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप जो थर्मल प्लेट है ये हमारा बैकअप देता है बेसिकली, देख सकते हैं किसान भाई उसको यहाँ पर आप जी। तो और इसके अलावा हम स्कीम में जो अपने पैनल्स आते हैं तो उसको इंश्योरेंस भी आता है। मान लीजिए किसी दुर्घटना के अनुरूप अगर कुछ समस्या आती है तो उस केस में भी आपके इंश्योरेंस में कवर्ड रहता है जी। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं महाराष्ट्र के अंदर पुणे किसान मेले में, और किसान दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पीछे सोलर वाटर पंप की आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो किसान दोस्तों जो आप लाइट नहीं पहुंच पाती, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली अभी भी नहीं पहुंच पा रही है, तो उन किसान भाइयों के लिए सोलर वाटर पंप एक वरदान साबित होने वाला है। और गर्मियों में ऐसा होता है कि आंधी आ जाती है तो खम्भे टूट जाते हैं, तो मेरे किसान भाई के खेत तक जो है वह लाइट नहीं पहुंच पाती, जिससे कि मेरे किसान भाई की फसल जो होती है वह सूख जाती है। तो किसान दोस्तों आज इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा आप मेरे किसान भाइयों को सर अपना एक छोटा सा परिचय करा दें सर। जी मैं इकोजेन सॉल्यूशंस कंपनी से बात कर रहा हूँ आपके साथ। इकोजेन सॉल्यूशंस कंपनी जो है ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो सोलर पंप बना रही है जी। इकोजेन सॉल्यूशंस के लगभग पूरे भारत भर में 1,60,000 पंप अभी लगे हुए हैं जो हर एक राज्य में फैले हुए है, हरियाणा राजस्थान पंजाब वहां से लेके उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ असम सभी जगह पे हमारे पंप लगे हुए हैं जी। तो सर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरे किसान भाई को यदि वह सोलर वाटर पंप लगवाता है तो इसके क्या क्या फायदे मेरे किसान भाई को होने वाले हैं सर? देखिए आप जब सोलर पंप लगवा रहे हो पहले तो आपका जो बिजली के ऊपर जो डिपेंडेंस है जी, तो बिजली से आपका छुटकारा मिल जाएगा जी। बिजली आपके पास हर समय थ्री फेज आती नहीं है, आई तो चलती नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है जिसके वजह से आपकी सिंचाई ठीक से हो नहीं पाती है। जब आप सोलर लगवा रहे हो तो सोलर सिस्टम का बेनिफिट यह है कि सोलर एक बार आप एक बार खर्चा कीजिए, उसके बाद ये आपका सुबह सूरज उगने के समय चालू हो जाएगा, शाम को सूर्यास्त होने तक ये आपका कंटिन्यूस चलते रहेगा, तो आपको बिजली की समस्या से पूरा छुटकारा मिलने वाला है इससे जी। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरे किसान भाई का और फिर उसे बिजली से बिल्कुल छुटकारा मिलने वाला है। और सर अब मैं बात करता हूँ मेरे किसान भाइयों को एक सवाल रहता है, जैसे सर्दी के दिन आ जाते हैं तो उसमें सूरज जो निकलता है वह कम निकलता है, तो क्या यह सोलर पैनल जो है ये उसमें काम करेंगे या नहीं कर पाएंगे सर? जी अपने पास सोलर पैनल्स आप कहोगे तो हर किस्म के पैनल मिलते हैं, मोनो पॉली बायफेशियल इस टाइप के पैनल्स आते हैं, तो हम काफी इफिशियंट पैनल्स देते हैं और अपना कंट्रोलर का इफिशियंसी भी MPPT इफिशियंसी काफी अच्छा है, जिसके वजह से जब आपका बादल आते हैं उस टाइम पे भी पंप चलते रहता है, लेकिन आपका जो पानी है वो कम होगा जब आपका बादल आ रहा है। लेकिन अगर इस ऐसा भी अगर आपको पानी इसे सिनेरियो में पानी अगर चाहिए तो उस केस में आप ग्रिड प्लस सोलर वाला अपना कंट्रोलर आता है जिसमें आप ग्रिड से अगर आपको बिजली से चलाना है पंप तो वैसे भी चलवा सकते हैं, बिजली से भी चला सकता है मेरा किसान भाई जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ लगभग जैसे गर्मियों के दिन होते हैं तो यह सोलर वाटर पंप जो है कितना काम कर देगा मेरे किसान भाई का? गर्मियों के दिन में तो जैसे आप देख ही रहे हो अभी तो सर्दियों का मौसम है जी। फिर भी अभी ये 3 HP का पंप लगा हुआ है। 3 HP का पंप है जी जी, 3 HP का पंप है, उसमें 9 पैनल लगे हुए हैं। देख सकते हैं किसान दोस्तों आप 9 पैनल जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और इस टाइम ये पैनल जो पूरे साफ भी नहीं है आप ऊपर देख सकते हैं अभी काफी मिट्टी भी जमी है इसी। अभी आप देखिए पानी कितना अच्छे से आ रहा है, फोर्स से आ रहा है किसान दोस्तों आप। तो जैसे जैसे आपकी धूप बढ़ते जाएगी तो आपका पानी भी उतना ज्यादा मिलते जाएगा, तो आपका कंटिन्यूस पानी चलते रहता है, गर्मियों में तो काफी अच्छा पानी मिलेगा जी। तो सर अब एक और किसान भाई का सवाल होता है कि जैसे गर्मी के दिन आते हैं जून जुलाई का महीना आता है तो उसमें आंधी जब आती है हवा की स्पीड जो होती है वह बहुत तेज होती है, तो उसमें तो इन सोलर पैनल को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई उसे हानि तो नहीं उठानी पड़ेगी सर?
आप एक बार पैनल्स भी देख सकते हो जी। पैनल्स को जो हमने स्ट्रक्चर दिया है जी। वो काफी हेवी ड्यूटी स्ट्रक्चर हम देते हैं जी। जो काफी ज्यादा अगर आंधी भी है उसमें भी अच्छे से काम कर लेगा। तो हमारे ये जो पंप है ये कुसुम योजना है, उसके अलावा एमएनआरई की काफी सारे जो योजनाएं होती है उसमें भी जाती है, इसमें भी सर्टिफाइड है, जिसमें अच्छे क्वालिटी के हम स्ट्रक्चर देते हैं जी। तो और इसके अलावा हम स्कीम में जो अपने पैनल्स आते हैं तो उसको इंश्योरेंस भी आता है। मान लीजिए किसी दुर्घटना के अनुरूप अगर कुछ समस्या आती है तो उस केस में भी आपके इंश्योरेंस में कवर्ड रहता है जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ, मेरे किसान भाई को यदि वह सोलर वाटर पंप लगवाता है तो कितने परसेंट तक सब्सिडी मिल जाएगी सर? वो आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी आप महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में 90-95% तक सब्सिडी मिल जाती है। वही आप कोई दूसरे राज्यों में जाओगे तो कहीं पे 70% है, कहीं पे 60% है। तो आपके राज्य के अनुसार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कितना परसेंट सब्सिडी है, कितना आपको भरना है और कितनी कैपेसिटी के पंप है। इसमें पंप भी आप देखोगे तो 1 HP से लेके तो 10 HP तक अपने अलग अलग कैपेसिटी के पंप आते हैं जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा किसान भाई सोलर वाटर पंप लगवाता है तो क्या आपकी कंपनी खुद सेटअप करके आएगी सर किसान के वहाँ पर? जी अगर आप सब्सिडी में ले रहे हैं तो उसमें भी हमारा पूरा टीम है, ऑल ओवर इंडिया टीम है जो आके आपका पूरा सेटअप करके देगा। उसके बाद में भी सारा जो सर्विस है, सर्विस हमसे पूरा मिलता रहता है इसके लिए। तो सर उसके लिए मेरे किसान भाई को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी होगी? नहीं नहीं, इंस्टॉलेशन जो हम जो प्राइस जनरली देते हैं, प्राइवेट में भी आप डायरेक्टली ले रहे हो या सब्सिडी में ले रहे हो तो जो पूरी हम कीमत देते हैं किसानों को वो कीमत में पूरा आपका इंस्टॉलेशन सारा हम करके देते हैं जी। तो सर मेरे किसान भाई को सोलर पैनल पर कितने साल की वारंटी या गारंटी मिलने वाली है सर आपकी कंपनी की तरफ से? सब्सिडी में जो है आपको 5 साल तक वारंटी मिलती है जी। ओके, और पैनल जो रहता है पैनल का 25 साल का आपका परफॉर्मेंस वारंटी रहता है जी। 25 साल का जी जी। और सर यदि जैसे कुछ आंधी आ जाती है उसमें टूटने फूटने का तो खतरा बिल्कुल है नहीं? जी जी। और किसान दोस्तों देख सकते हैं आप सर्दियों के दिनों और पानी देख सकते हैं आप 3 HP का इस टाइम ये सोलर वाटर पंप है कितना शानदार पानी दे रहा है। तो किसान दोस्तों जैसे जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है या आप बिजली से परेशान है तो उन किसान भाइयों के लिए सोलर वाटर पंप वरदान साबित होने वाला है। तो सर अब मैं जो है आपका कुछ अंदर से स्ट्रक्चर देखना चाहूँगा, ये आपने कैसे सेट किया है और इसकी मजबूती के बारे में सर जानना चाहूँगा मैं। आप देखेंगे पूरा मजबूत स्ट्रक्चर है जिसको हमने सेंटर में फाउंडेशन देके सपोर्ट करते हैं जी। ओके, जिसके वजह और यह अपना सोलर कंट्रोलर है जिसमें आपको सारा पर ये नंबर चल रहे हैं सर, ये क्या है? यहाँ पर आपको आपका कंट्रोलर का नंबर मिलता है, उसके अलावा कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इसमें क्या स्टेटस है, वो टाइमिंग क्या है, ये सारा दिखाई देता है। ये कंट्रोलर का नंबर है अपना, इसके अलावा वोल्टेज कितना हो रहा है, ये सारी करंट कितना आ रहा है, ये सारी आपको जानकारी मिलती है। अपने जो पंप है इसमें 4G सिम लगे हुए होते हैं कंट्रोलर में, तो आप घर से बैठे आप पंप को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो मोबाइल से। मेरा किसान भाई मोबाइल से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। शेड्यूलिंग करना है, मान लीजिए 10 बजे चालू करके 2 बजे बंद करना है तो टाइमर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका पंप का अभी चल रहा है, बंद है, पानी आ रहा है, दिन में कितना पानी निकाला है, ये सारी जानकारी आपको घर बैठे फोन में आपके मिल जाएगी। फोन में ही मेरा किसान भाई सारी जानकारी ले सकता है। जी जी। और किसान दोस्तों आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो सर अब मैं बात करना चाहूंगा, मेरा किसान भाई इस सोलर पैनल्स को और किस किस यूज क्या क्या यूज कर सकता है इसका? अभी देखिए कई बार किसान जो है तो खेतों में कई लोगों के घर भी होती है, धानी होती है जी, या फिर आपके घास काटने वाली मशीन आती है जी, या फिर आटा चक्की आती है सिंगल फेज वाली जी। तो जहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम लगे हैं जी, अगर किसानों को घर के लिए बिजली चाहिए सिंगल फेज वाला जी, या सिंगल फेज की मशीन के लिए बिजली चाहिए जी, तो उसके लिए भी हमारा एक सेपरेट कंट्रोलर आता है जिसको इसके साथ बैठाना होता है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको खर्चा आता है, वो करके आप सिंगल फेज का इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो जी। तो जैसे मेरे किसान भाई के अगर चाप कटर मशीन हो गई जी और समरसेबिल हो गया, घर वाला समरसेबिल जो होता है तो सब कुछ चलाएगा वो? जी जी, वो चलेगा, लेकिन एक समय पे एक चीज चलेगी। अच्छा, या तो आपका पानी का पंप चलेगा जी, या आपका सिंगल फेज का मोटर या घर का लोड जी।
जैसे क्या मेरा किसान भाई चारा काट ले कुट्टी मशीन से बिजली वाली से या अपना समर से भी चला ले, एक समय पर एक ही चीज चलेगा। जी जी। आटा चक्की भी चला सकता है। जी जी। आटा चक्की जैसे अगर 7.5 या 10 HP का सेटअप लगा है जी, तो उसमें सिंगल फेज कंट्रोलर से आप 3 HP तक का आटा चक्की दोपहर में जब धूप अच्छी से खिली है तब चलवा सकते हो। जी। और सर अब मैं बात करता हूँ, जैसे एक मॉडल भी होता है मतलब सोलर पैनल का ट्रॉली वाला भी होता है, उसमें किसान भाई उसे ट्रॉली पर बंद कर लेता है और उसे मतलब ट्रॉली को कहीं भी ले जा सकता है, तो वैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन पैनल को कहीं भी ले जा सकता है, तो सर उसके बारे में बात करना चाहूंगा सर मैं। जी, ट्रॉली वाला सिस्टम अभी तो हम नहीं दे रहे, फिलहाल जो स्ट्रक्चर आता है वो फिक्स्ड हमारा सेटअप आता है सोलर का। जी, तो ट्रॉली वाला स्ट्रक्चर अभी नहीं दे रहा है। तो किसान दोस्तों अब मैं आपको सोलर पैनल की यूज दिखाने वाला हूँ, किसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं और हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, ये आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये एक सोलर कोल्ड रूम है जिसका नाम हम लोग इको फ्रॉस्ट बोलते हैं। ये कंपनी का नाम इकोजन है, पुणे में बेस्ड है। 3 IITians के द्वारा ये कंपनी बनाई गई थी 10 साल पहले। तो बेसिकली ये जो सोलर कोल्ड रूम है डिफरेंट कैपेसिटी का आता है, 2 मेट्रिक टन, 5 मेट्रिक टन, 10 मेट्रिक टन, और आप अलग अलग कमोडिटी अलग अलग दिनों के लिए रख सकते हो। जो कमोडिटी 2 दिन 4 दिन में खराब हो जाता है उस कमोडिटी को आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना 6 महीना तक जैसा कमोडिटी उस तरह का रख सकते हो। एक तो ये हुआ, दूसरा ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स है जो कि किसान भाई यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोल्ड रूम काम नहीं कर रहा है तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू हम पता कर सकते हैं, IoT सॉल्यूशन है। दूसरा हमारे पास थर्मल बैकअप है जिसके थ्रू अगर सोलर नहीं भी रहा रात के समय तो हमारे पास थर्मल प्लेट्स हैं जिसमें हम आइस की तरह कोल्ड स्टोर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं जिससे आपको बैकअप मिलता है। तो अलग अलग यूज केस अलग अलग कोल्ड रूम का हो सकता है, जैसे फार्म गेट पे जहाँ पे जो भी किसान भाई कमोडिटी ग्रो करते हैं जिन्हें कम दाम में उसे बेचना पड़ जाता है, उसे अगर वो सही दाम के लिए यूज़ करके, जैसे टमाटो में आपने सुना होगा कि बहुत कम दाम में लोगों को बेचना पड़ गया, उस तरह का सोल्यूशन आप अपने कमोडिटी को स्टोर करके बढ़ा सकते हैं। दूसरा मार्केट गेट पे जहाँ पे किसान भाई जाते हैं और उन्हें कम दाम में बेचना पड़ सकता, तो उस केस पे भी आप इस कोल्ड रूम को यूज़ करके किसान भाई यूज़ कर सकते हैं। तीसरा मार्केट लिंकेज की कहीं कहीं पे बीच में अगर कहीं पे जुड़ाव नहीं है, जैसे कि कश्मीर से एप्पल आता है और उसे इमीडिएट बेच करना पड़ता है या बड़े बड़े कोल्ड रूम में स्टोर करना पड़ता है, तो आप उसे थोड़े थोड़े कमोडिटी को छोटे छोटे कोल्ड रूम में स्टोर करके अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन अ वे ये एक मॉडल है। इसके अलावा हम लोग अभी सोलर मोटर पंप्स भी है, उसके बारे में भी जानकारी है, प्लस ओमनी करके भी एक हमारा टेक्नोलॉजी है कंट्रोलर करके, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसे को यूज कर सकते हैं। तो सर मैं इसे किसान भाइयों को अंदर से दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये दोस्तों अब मैं आपको इसे सोलर कोल्ड रूम अंदर से दिखाने वाला हूँ, खोलिए सर। जी। तो इसका टेम्परेचर 4 से 10 डिग्री तक मेंटेन हो सकता है। ये आप देख रहे हो कि ये आप जो थर्मल प्लेट है ये हमारा बैकअप देता है, बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर आप। मेरा किसान भाई जो है इसमें अपने फल को रख सकता है। जी हाँ। आप तो किसान दोस्तों इसमें आप अपने फल फ्रूट रख सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फूल सब कुछ रख सकते हैं। अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग लाइफ आता है, तो जब आप कोल्ड रूम लीजिएगा तो कौन से कमोडिटी को कितने दिन चल सकता है, एक हमारे पास मोबाइल ऐप है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, तो कितने दिन कौन सा कमोडिटी चल सकता है सब कुछ इसमें हम बता सकते हैं। जी।